हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी सेवैयाँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से सावन का महीना आ गया है, तो आप पहले सावन पर ही सेवैयाँ बना सकते हैं और अपने परिवार को खिलाइए। अब बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है, तो चलिए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मीठी मीठी सेवैयाँ बनाना। सेवई बनाने के लिए हमने सामग्री ले लिया है, तो ये देखिए दोस्तों, 3 पैकेट हमने ये पतली लंबी वाली सेवई ली है। ये देखिए, ये 10 रुपये का 1 पैकेट मिलता है, तो हम 3 पैकेट से बनाएंगे एकदम परफेक्ट सेवई कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये देखिए दोस्तों, 10 रुपये का 1 पैकेट मिलता है। ये रोस्टेड सेवई होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें हमने बादाम लिया है, ये भिगोया हुआ बादाम है, तो उसका छिलका उतार लिए हैं और बीच से 2 पार्ट कर लिए हैं। थोड़ी सी किशमिश लिए हैं, एक छोटी कटोरी। इलायची लिया है, 2 खोल लिया है उसको हमने। ऑरेंज फूड कलर लिए हैं हम, कलर डालकर हम बनाएंगे। और चीनी लिया है, तो इसमें सभी डायरेक्शंस लिखे हुए हैं कि कैसे सेवई को बनाना है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, पैकेट पर सभी विधि लिखी हुई है, पर बहुत लोग पैकेट पर विधि लिखा हुआ है फिर भी नहीं बना पाते हैं, तो मेरे तरीके से बनाइए। तो सबसे पहले हम एक सेवई के पैकेट को कट कर रहे हैं और उसे प्लेट में ले लेते हैं। बहुत लोग सेवई जो है परफेक्ट नहीं बना पाते हैं, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि सेवई बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा गल जाता है, तो कैसे बनाएं? तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। तो 1 पैकेट हमने ले लिया है, तो जब भी सेवई आप बनाएं तो इसके जो है ये ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े ना करें सेवई के। ये देखिए, जैसे हम बड़े बड़े में तोड़ रहे हैं, इससे जो है सेवई गलता नहीं है और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अगर ज़्यादा छोटे टुकड़े कर देंगे, एकदम ज़्यादा महीन तोड़ देंगे इसको, तो एकदम हलवा जैसा बन जाएगा, तो एकदम सेवई जैसा दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको बनाना है, तोड़ना है। तो ये देखिए, हमने लंबे लंबे साइज में इसको लिया है, तो 3 पैकेट हमने ले लिया है पूरा, देख सकते हैं। हम आपको ये साइज़ दिखा दे रहे हैं, इतना लंबा रखना है आपको। तो ये पहला ट्रिक है कि आपको सेवई लंबा रखना है। तो हमने एक भगोना ले लिया है, तो उसमें डाल देते हैं देसी घी। 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल देना है, उसको मेल्ट होने देना है। घी मेल्ट हो चुका है, तो ये हमने किशमिश लिए है, तो ड्राई फ्रूट्स में हम किशमिश और बादाम ही यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास और भी हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो किशमिश को हम घी में डाल दिए हैं, तो उसको हल्का सा भून लेना है। तो किशमिश को फूलने तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, किशमिश जो है फूल गई है एकदम अच्छे से। तो चलिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं पूरा। किशमिश को हमने निकाल लिया है, तो अब उसी भगोने में जो बादाम हमने लिया है वो डाल देंगे। बादाम को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ऐसे बादाम को अगर आप भिगो कर लेंगे तो खाने में टेस्टी लगता है, नहीं तो अगर आप छिलके से ही डालेंगे तो छिलका जो मुंह में आता है और खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए बादाम को भिगो कर ही उसका छिलका निकाल कर इसको भून लें। तो अब हम उसी भगोने में डाल देते हैं पानी। तो चाशनी हम बनाएंगे सेवई के लिए, तो 1 कटोरी पानी हमने डाल दिया है, 1 कटोरी पानी और डालेंगे। परफेक्ट कितना बनाना है कितना नहीं, बहुत लोग को ये पता नहीं होता है। तो 3 पैकेट सेवई लिया है हमने, तो 3 कटोरी हमने यहाँ पर, छोटी कटोरी है उससे हमने पानी डाल दिया है। ऑरेंज फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा, कलर ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में ही हमने इधर डाल दिया है चीनी।
चीनी जो है आप 400 से 450 ग्राम के करीब लें, क्योंकि हम चाशनी बना रहे हैं तो चिपचिपा चाशनी बनाना है तो चीनी थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है आपको। दो इलायची डाल देते हैं, सभी को मिक्स कर देते हैं और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। जब तक चीनी मेल्ट होगा, इधर हमने पैन लिया है और जो देसी घी बचा हुआ तो वही देसी घी हमने लिया है, जो सिवैयाँ लिए हैं पूरे हम वो डाल देते हैं पैन में। ये भुना हुआ है पर आप चाहे तो भून भी सकते हैं, तो हम इसे हल्का सा भून कर ही बनाएंगे। तो इसको धीमी आंच पर ही चलाते हुए भुने, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाता है सिवैयाँ, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये सिवैयाँ खाने में। कोई भी मेहमान आए आप उनको बना कर ही खिलाइए, कोई भी फेस्टिवल हो आप सिवैयाँ बना सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। तो 2 से 3 मिनट तक हमने सिवैयाँ को अच्छे से भून लिया है। सिवैयाँ भून कर तैयार हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप दूध। तो 1 कप ही दूध आपको डालना है, केवल हमें सिवैयाँ को इसमें सोक करना है बस, क्योंकि चाशनी वाला हम सिवैयाँ बना रहे हैं। तो इसको हम ऐसे मिक्स करते जाएंगे ताकि पूरा दूध जो है सिवैयाँ में सोख जाए, ऐसे चलाते हुए। दोस्तों तब तक हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है, चीनी मेल्ट हो चुका है, पकने देते हैं चाशनी को। और ये देखिए सिवैयाँ ने भी पूरा दूध को सोख लिया है। तो गैस अब हम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों गैस हमने बंद कर दिया है, तो इसको पैन में ही रहने देते हैं और चाशनी को हम अच्छे से पकाते हैं चिपचिपा होने तक। तो ये देखिए, और चाशनी के ऊपर जो गंदगी थी आप उसको ऐसे चम्मच से निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल दिया है। अभी चाशनी पकानी है, फिर थोड़ी देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए चाशनी जो है पक कर देख सकते हैं कम हो चुका है और चिपचिपा भी हो गया है। ये देखिए चारों तरफ भगोने की, तो हम आपको टच बता भी देते हैं। तो ये देखिए केवल चिपचिपा होने तक पकाना है, ज़्यादा तार नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा तार आप पका देंगे तो चाशनी जो है एकदम जो सिवैयाँ जो है एकदम टाइट हो जाएगी, और ज़्यादा पतला चाशनी रहेगा तो सिवैयाँ जो है गल जाएगी। इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे, तो इसलिए चाशनी जो है एकदम चिपचिपा होनी चाहिए केवल। ये देखिए जितना हम आपको दिखा रहे हैं तार नहीं बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग हल्का सा चिपचिपा है। तो इस स्टेज पर अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम सिवैयाँ डालेंगे। अब सभी सिवैयाँ को हम डाल देते हैं। सभी सिवैयाँ को हमने चाशनी में डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमें सिवैयाँ को जो है पका लेना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये बिल्कुल भी गलेंगी नहीं दोस्तों, गारंटी है। इतना अच्छा ये बनकर तैयार होता है बिना गले और बिना मावा का, हम ये इमामी सिवैयाँ बना रहे हैं। तब इसे हमें ढक पका लेना है, तब इसको हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम थोड़ा सा आंच कम रहे ताकि सिवैयाँ जो है जल्दी से पक जाए। थोड़ी देर बाद हम चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए चाशनी में जो है उबाल आ चुका है, पर अभी सिवैया पका नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। तो हमें सिवैया को जो है थोड़ी देर और पकाना है दोस्तों, 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो इसको ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद हम फिर चेक कर लेते हैं। तब हम सिवैयाँ को चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए
अभी पका नहीं है, 2 से 3 मिनट तक हमें इसको और पका लेना है ताकि चाशनी जो है सूख जाए। तो गैस की फ्लेम तेज़ आंच रहे तो इसको ढक देते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट के बाद हम अब सेवैयाँ को चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए सेवई जो एकदम अच्छे से फूली फूली दिख रही होंगी आपको साइज में, ये देखिए दोस्तों, और गली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एकदम बनकर तैयार हो चुका है और सेवैयाँ जो एकदम अच्छे से पककर तैयार हो गई हैं। तो गैस अब हम बंद कर दिए हैं, देख सकते हैं चाशनी पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। तो हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से पककर रेडी हो गया है, एकदम रसीली सेवई बनकर तैयार। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट में ये सेवई बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने इसको ढककर रख दिया था, तो थोड़ी देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है। तो ये देखिए किवामी सेवैयाँ बिना मावा का एकदम परफेक्ट बिना गले ये बनकर तैयार हो गई हैं, देख सकते हैं आप लोग, हम आपको पास से दिखा रहे हैं, एक भी सेवई जो है गली नहीं है, एकदम परफेक्ट पककर तैयार हो गया है। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बताएं कि आपको यह सेवैयाँ की रेसिपी कैसी लगी है। हम आपके लिए ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी लाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी फटाफट इस रेसिपी को बनाएँ और अपने परिवार को खिलाई। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।